ए, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ। क्यों इतना सोचता है? इस उम्र में तुझे दार्शनिक कहने लगे हैं लोग। माँ, पिताजी नहीं आए? आते होंगे। जानती है, आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। जानती हूं। जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है? तो क्या करूं, चीखूं? दुख तो इस बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सब चुप बैठे रहते हैं। तो तू चीख ले। अब क्या चीखूंगा, जब चीखना था तब तो चुप रहा, कायरों की तरह। मेरा पिता भी तो चुप रहा और लोग भी चुप रहे। औरों की बात मैं नहीं जानता, पर पिताजी वो क्यों चुप रहे? मैं सोचता था उनकी गर्जना से पूरी राज्यसभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। पर तू क्यों चुप रहा? तू तो गरज सकता था, बहुत होता दुर्योधन के भाई तुझे मार डालते, पर तू क्यों चुप रहा? वही मैं भी सोच रहा हूं, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए? बताओ मां, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहां गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? यह प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने और पिताजी ने नहीं दिए? तब ऐसा क्यों हुआ? अपने पिताजी से पूछ। तुम उत्तर क्यों नहीं देती मां? राजस्वला एक वस्त्र द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्मभेदी आवाज से वो पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ मां, ऐसा क्यों हुआ? कहती हूं ना, अपने पिता से पूछ। इसका मतलब यह हुआ कि आप जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल रही हो। मां, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय का गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? मैं नहीं जानती। सोचती क्यों नहीं, वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या कह सकती हूं, नहीं आए, उनकी मर्जी। नहीं, बात इतनी आसान नहीं है मां। कल की घटना के बाद वो पिताजी से घृणा करने लगे हैं, पिताजी उनके लिए अब आदरणीय नहीं रहे। पिताजी, वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए, बोलिए ना। क्यों आते? क्या वो आपके शिष्य नहीं है? पर मैं उनका गुरु कहां रहा? संसार तो आपको महान आचार्य जानता है। संसार को क्या मनवाया नहीं जा सकता? पिताजी, आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से ये प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा है, बताइए ना, आप चुप क्यों रहे? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अब जरूरी है? हां पिताजी, जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी तब वो आपके समक्ष आकर खड़ी हो गई थी। याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडव के रक्त संबंधी हैं न कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष, उठाइए। पर आप चुप रहे, क्यों पिताजी, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अपनी मां से पूछो। जब मैं मां से पूछता हूं तो वो कहती है अपने पिता से पूछो, और अब आप मां की ओर संकेत करते हैं। जो जिम्मेवार है उससे ही पहले पूछना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा मतलब मैं जिम्मेवार हूं तुम्हारी चुप्पी के लिए? हाँ, तुम्हें कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हुए? जरा गहराई से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूं, तुम्हारा आचारत्व कहां मर गया? हाँ, क्या यह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्य को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कृपी, जरा अपनी ओर देखो। क्या देखूं? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था?
लेकिन वहां कृपाचार्य, विदुर और भीष्म भी थे, वो क्यों चुप रहे? इसके कारणों का विचार क्यों नहीं करती? अरे वो तो शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। माँ चुप रह, तू क्यों नहीं बोला? हाँ, जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों चुप रहा? तेरा अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? हाँ कृपी, चीखो मत। बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूं। कृपी, तुमने यही बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? तो क्या होता? तो संभवतः ये घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? याद करो, अश्वत्थामा तब छोटा था, तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने भेजा था। पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे, घर में 2 मुट्ठी आटा भी कहां था? द्रुपद के पास ना भेजती तो क्या करती? तुमने मुझे एक क्षण चैन से नहीं रहने दिया। दिन रात तुम्हें मेरे दारिद्र से शिकायत थी, मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द नहीं कहा तुमने। क्या ये सच है माँ? उस दिन की याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने दूध के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का घोल पिलाया था? वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राज की अन्न की दास्ता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दास्ता से समझौता करने पर किसने विवश किया? माँ, उस दिन तुमने आटे के घोल के बदले मुझे विष क्यों नहीं पिलाया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? माँ, पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने? और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात, शुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। अश्वत्थामा बेटा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया, तब मैं सही आदमियों का कहां से निर्माण करता? लेकिन राजकीय अन्न की दास्ता से मुक्त होने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? नहीं कर पाया, उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भोंतरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपी, मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। पिताजी, अब इस राजकीय दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? नहीं बेटे, अब वो संभव नहीं है, बहुत देर हो गई है। अब मुझे उसका ही साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्र बलिदान देगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है, मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं, अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस रही है।